नमस्कार साथियों, तो आज हम आ गए हैं फिर से अपने खेत पे। आपको दिखाएंगे कि जो अपने खेत में बेड के ऊपर मल्चिंग लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं और कितने माइक्रोन की होनी चाहिए, किस कंपनी की बीजा रहती है, ये सब चीजें आपको दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये पूरा खेत है, ये लगभग एक एकड़ का खेत है। तो इसमें मल्चिंग के कुल 6 बंडल लगे, तो उसकी जो बंडल की जो लंबाई होती है वो 1000 मीटर होती है। आपको मैं बता देता हूँ कंपनी, आप देख रहे हो ये ग्रो एट कंपनी का मल्चिंग पेपर है और ये इसकी जो थिकनेस है वो 25 mm है। तो ये बेड के ऊपर बिछा रखी है और ऐसे जिगजैग क्रॉस में आपको छोटे छोटे से गड्ढे खोद के मल्चिंग को पैर से ऐसे दबा के फिर ऊपर मिट्टी डाल देनी, और ये पूरी आपको ऐसे करना है। और इसमें क्या ग्रोवेट की थोड़ी महंगी वाली है, तो इसमें क्या छेद भी साथ में आते हैं, तो इस प्रकार से ये, और इसमें ड्रिपर अंदर रहेंगे और इसकी जो थिकनेस और जो इसकी जो अपनी ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें अब बहुत सारी कंपनियों की भी आती है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन वो क्या एक समय के साथ खराब होती रहती है धीरे धीरे, लेकिन जो ये है इसकी जो थिकनेस और इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये आपके थोड़े लंबे समय तक चलेगी। एक मल्चिंग पेपर आपके 2 सीजन तक चला सकता है। और जैसा कि आप देख रहे हो पूरा खेत में, तो ऐसा है।